गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी की सारी प्यारी संगत का शुक्राना। और ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो गुरु जी भूल चूक माफ करना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में स्टार्ट हुई थी। मैं उस टाइम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर यहाँ पर दिल्ली फर्दर स्टडीज के लिए आई थी। और मैं अपनी मासी के घर यहाँ पर रुकी हुई थी, तो मासी और उनकी फैमिली जो है वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैं जब मैं अपने होम टाउन में ग्वालियर से हूँ, तो मैं मतलब जब भी वहां पर ग्वालियर में रहती हूँ और रहती थी, तो सिर्फ मतलब जैसे मंडे होता था तो हमारे घर के पास एक मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर। तो मुझे बहुत मन करता था कि हाँ, मैं आज शिव जी को दूध चढ़ाने जाती हूँ या ऐसे कुछ। मतलब मंडे को वहां जनरली चली जाती थी, कभी थर्सडे हुआ तो साईं बाबा मंदिर चली जाती थी। अब यहाँ पर आई तो मतलब मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि मैं न्यू थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सब लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं यहाँ पर। तो सब मतलब वो सत्संग शेयर करते थे, तो और मतलब एक मुझे एक नई चीजें जो मुझे मतलब गुरुजी के बारे में पता चली, सत्संग का पता चला, तो अच्छा भी लगता था। और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मीन्स एकदम न्यू होते हैं तो थोड़ा सा वो लगता है कि कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो भी मतलब जय गुरुजी, आ रहे हैं जय गुरुजी, उठ रहे हैं जय गुरुजी, और सोने जा रहे हैं तो जय गुरुजी। तो मैं एकदम सोचती थी, मैं कहती थी मतलब इतना कैसे मतलब क्यों, क्योंकि मुझे वो चीजें पता ही नहीं थी ना। मैं गुरुजी के बारे में कुछ जानती थी उस टाइम पर, कुछ भी नहीं। और जब वो सत्संग मुझे सुनाते थे मासी या मतलब उनकी एक सिस्टर इन लॉ है, तो वो सुनाते थे उनका बेटा सुशांत अंकल, तो मुझे लगता था, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है गुरुजी, गुरुजी मतलब ऐसा ही तो हो गया था कि हाँ गुरुजी मिरेकल्स करते हैं और मतलब गुरुजी सब कुछ ऐसे पूरा करते हैं। मेरे मन में सिर्फ ये एक मेंटालिटी वो बन चुकी थी कि हाँ गुरुजी सब चीजें पूरी करते हैं, बस ये था। और तो मुझे वो लोग ना नास्तिक बोल गए थे, नास्तिक अच्छा नास्तिक आंटी ऐसे नास्तिक कहाँ जा रही है नास्तिक आंटी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं इन जनरल मतलब मैं किसी से कुछ बोल नहीं पाती, कोई कुछ कहता है तो मैं ठीक है बस मैं स्माइल पास करती हूँ और लेट इट बी कि हाँ ठीक है चलो हो गया कोई बात नहीं। बट कंटिन्यूअसली वो नास्तिक नास्तिक नास्तिक, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और जहां मैं रुकी थी जिस रूम में, तो उधर बहुत बड़ा मतलब गुरुजी तो हर स्वरूप में, बट एक बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो वहां कोई भी नहीं था, सब लोग गए हुए थे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैं बस गुरुजी के सामने ऐसे बैठी और मैं बोलने लग गई कि गुरुजी आपको पता है मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मैं आपको नहीं मानती हूँ, तो मैं नास्तिक तो नहीं हूँ। मतलब क्यों मुझे लोग सब लोग नास्तिक नास्तिक बोलते हैं, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं साईं बाबा को मानती हूँ और आपको पता है, बट मैं आपको नहीं मानती हूँ गुरुजी। आप देखो आप सब कुछ ठीक कराओ, ये क्यों नास्तिक बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मतलब ऐसे ही जनरली गुरुजी से बात कर रही हूँ। और उस टाइम मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि टेलीपैथी क्या होती है या गुरुजी की सेवा क्या होती है, सत्संग क्या होता है, बड़े मंदिर में कैसा क्या होता है। मैं कभी नहीं गई थी। ये ऐसा इंसिडेंस हुआ। उसके बाद मैं कोचिंग गई अपनी, करोल बाग मेरी कोचिंग थी, तो मैं गई, वहां से वापस आई तो पता नहीं एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी सी ना शैटर्ड हो गई घर में, कुछ पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने गुरुजी को बोल रही, गुरुजी मैंने आपको बोला था कि आप सब कुछ ठीक करो और आपने तो एकदम से सब कुछ उल्टा मतलब कर दिया, ऐसे कर दिया, मैं को कैसे ठीक करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो गई है, मैं कहाँ जाऊं। तो मतलब मैं गुरुजी से रो रही हूँ, गुरुजी से बातें कर रही हूँ, और मैंने कहा गुरुजी आप अगर अब आप मतलब, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और गुरुजी क्या हैं, गुरुजी महाशिव हैं, हमें कुछ पता ही मतलब नहीं पता होता। तो मैं गुरुजी से पूछी, गुरुजी अगर आप प्लीज ऐसे कुछ है और इतना सब सत्संग शेयर करते हैं मानते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज ये सब कुछ ठीक करो, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मेरे घर वाले मतलब मम्मी पापा नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं यहाँ एडजस्ट जो भी कर रही हूँ जैसे भी रह रही हूँ, आपने रोका हुआ या जो कुछ भी है आप देखो। और ऑल ऑफ अ सडन इतना मतलब अमेजिंग कि गुरुजी ने वो डे कंप्लीट नहीं हो पाया और वो सारी चीजें मतलब नॉर्मल एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई कि वो हाँ वो नॉर्मल हो रही है।
चीज है। तो आई वाज अमेज्ड कि गुरु जी कर रहे हैं, गुरु जी सुन रहे हैं। वहां से एक मतलब एक कनेक्शन फील होने लगा कि हाँ गुरु जी सुनते भी हैं, या हाँ गुरु जी हमारी बात सुन भी रहे हैं, ऐसा कुछ। तो बस यहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब वो मुझे उसी नाइट बड़े मंदिर जाना था, वो लोग मुझे फोर्स करने लगे चलो बड़े मंदिर। तो मुझे था कि नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना बड़े मंदिर, मैं ठीक हूँ, घर में ही ठीक हूँ। तो कहते नहीं, अकेले तो हारोगी, रात हो जाएगी बहुत, क्योंकि मंडे नहीं है। तो मतलब वैसे डेज में वो रात में जो मतलब लेट नाइट हो जाती है, हम ये पंजाबी बात थी और छतरपुर बहुत दूर है तो लेट हो जाएगा, तुम चलो। अब मैं मन मारकर या जैसे भी मतलब मैं गई, मैं कहा चलो ठीक है। मैंने कभी देखा भी नहीं और मन में एक था भी, बट वो एक होता है जो थोड़ा डाइसी सा हो रहा था कि जाना है नहीं जाना है। मैं चली गई, मैं कहा कोई नहीं, अब फोर्स कर रहे हैं चलते हैं, चलो। गुरु जी का कॉल, वो मेरा मतलब गुरु जी का फर्स्ट कॉल था मेरे लिए, गुरु जी जब मुझे बुला रहे थे। तो मैं बड़े मंदिर गई फर्स्ट टाइम, होम सिक मतलब एक वो तो था ही, क्योंकि घर वाले नहीं थे तो वो एक होम सिकनेस होता है जो पैम्पर्ड चाइल्ड होता है तो उनके लिए थोड़ा सा होता ही है। वहां पर गई, पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, एक ऐसा कुछ अट्रैक्शन था जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वहां पर। मतलब बार बार मैं वहां गई हूँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बस यही मतलब यही रुक जाओ और ऐसे करके। मतलब मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं मन में बोल रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, खुद से क्या बोलती जा रही हूँ, और ऐसा कुछ। मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और कहा मतलब ऐसे, पर वो कुछ था पता नहीं, गुरु जी का, जब गुरु जी मुझे अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहे थे, गुरु जी मुझे कनेक्ट करवा रहे थे खुद से, तो बस वो अट्रैक्शन हुआ वहां से। मैं उसके बाद एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई कि मैं घर से एवरी मंडे झूठ बोलकर, मतलब मैं कोचिंग के लिए निकलती थी कि मासी मैं कोचिंग जा रही हूँ, मेरा टाइम होता था वही कोचिंग का, और बड़े मंदिर अभी मंडे को अर्ली मतलब आज में ओपन हो जाता था उस टाइम पर कोविड से पहले, तो वही टाइम हो जाता था मेरा, मैं बड़े मंदिर पहुंचती थी। एक दो बार तो लगा भी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे कोचिंग जाना होता है और मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। बट फिर मन में ये है कि कोई बात नहीं, गुरु जी अपने आप करा रहे हैं, जो गुरु जी को अच्छा लगेगा गुरु जी करा देंगे। मतलब उस टाइम पर एक सरेंडर नहीं था, बट हाँ ये था कि गुरु जी करा रहे हैं, जो कुछ भी है गुरु जी करा रहे हैं, अपने आप देखिए। बस मन में कहीं ना कहीं वो दिमाग चल ही जाता था कि मैं कोचिंग के लिए निकलती हूँ और बड़े मंदिर पहुंच रही हूँ एवरी मंडे। हर मंडे यही होता था मेरे साथ, और घर में नहीं बोल पाती थी कि सब लोग हंसेंगे, मुझे सब नास्तिक बोलते थे, मैं बोल भी नहीं पाती थी कि मैं बड़े मंदिर से आ रही हूँ। और मासी पूछती थी बेटा कोचिंग कैसे रही, मैं कहती थी हाँ मासी बहुत अच्छी रही, क्योंकि वो कोचिंग तो होती मतलब कौन सी कोचिंग, वो तो गुरु जी जाने, मैं तो बड़े मंदिर जाती थी मंडे मंडे। तो बस और फिर वहां से फिर धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया कि मासी मैं ना कोचिंग नहीं, मैं ना बड़े मंदिर जा रही हूँ मंडे को। तो वो बहुत खुश हो गई, इनिशियल में थोड़ी सी हंसने लग गई, और अच्छा बड़े मंदिर जा रही है, मैंने कहा हाँ। मुझे थोड़ा सा वो भी लगे कि यार मैं क्या मतलब क्या सोचूंगी मेरे बारे में ना, कि मैं ऐसे मानती नहीं हूँ और मतलब बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद बड़े मंदिर मंडे 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 ऐसे स्टार्ट हुआ हर मंडे को जाना, क्योंकि ऑल डेज में मैं जा नहीं पाती थी, अकेले होती थी बहुत, नाइट हो जाती थी तो मासी अलाउ नहीं करती थी। मैंने यही सोचा कि चलो मंडे ही जाएंगे अब तो, और गुरुजी बुला रहे थे वहां। मतलब इतना एक ऐसा मुझे मेरे घर की कमी कभी फील नहीं होती थी, जहां मम्मी पापा साथ नहीं थे तो वहां मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल गया है, मेरा घर भी यही है और सारा वो प्यार भी मुझे यहीं से मिल रहा है, सब कुछ। बस मेरी एक बात थी गुरुजी से कि मैंने गुरुजी को बोला था जब मैं बहुत छोटी होती थी, तो मेरे पापा सिंगल मतलब चाइल्ड है, तो ना मेरी कोई बुआ ना कोई और मतलब कुछ भी नहीं, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे ना कोई बड़े पापा नहीं है, और मुझे बचपन से मैं देखती थी कि सब बड़े पापा बोल रहे, तो मुझे बहुत लगता था कि हाँ मैं किसको बोलूं, वो प्यार मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप सब बोलते हैं पापा, गुरुजी हमारे पापा हैं, मैं आपको प्लीज बड़े पापा बोलूं, आप मेरे बड़े पापा बन जाओ, मुझे बस वो बड़े पापा वाला वो चाहिए कि मैं किसी को बड़े पापा बुलाऊं और मुझे भी उतना ही प्यार मिले। तो बस ये मेरी फर्स्ट जो गुरुजी से एक डिमांड या जो भी बोलो, मतलब जैसे भी था मैंने गुरुजी को ये चीज बोली। फिर चलते रहे, चलता रहा, ऐसे सत्संग होते रहे डेली में, और मैं अटेंड करती रही उस टाइम, वन ईयर के लिए मैं यहाँ थी, तो होता रहा। और उसी बीच मैंने एक सत्संग पढ़ा आंटी का, एक आंटी थी वो प्रेग्नेंट थी और
उनको कुछ कोल्ड वगैरह ऐसे इशू हो जाते थे, तो वो भी गुरु जी को नहीं मानती थी। वो गई सत्संग में, वहां पर उनके लिए आइसक्रीम प्रसाद आता है, तो वो इनिशियली सोचती हैं कि वो कैसे खाएं और कोल्ड है, तो मतलब उन्होंने वो उनका प्रसाद जो गुरुजी ने प्रसाद दिया वहां पर वो पूरा खाया, वो वहां पर छोड़ते नहीं थे। तो वो ये सब मुझे सिखाने के लिए वो ऐसे आता था कि हमें लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं होता, क्योंकि मतलब मेरी एक हैबिट थी कि मैं बहुत गंदी हैबिट थी है मेरी कि मैं कुछ भी खाती थी तो मैं मुझे एक होता था कि मुझे थोड़ा सा लास्ट का कुछ छोड़ना ही होता, बट सत्संग में जाती थी तो वो खाना पड़ता था, जबरदस्ती खा रही हूँ तो वो लगता था मैं नहीं खा पाऊंगी, बट मेरे लिए वो गुरुजी मुझे सिखा रहे थे। और फिर उनका एक चीज थी कि गुरुजी मुझे ना आपके दिल में एक जगह चाहिए, आई वॉन्ट टू बी योर फेवरेट बच्चा। तो ये लाइन मेरे लिए इतनी कनेक्ट, मतलब मुझे बहुत इतनी टचिंग थी है मेरे लिए, कि मैंने सिर्फ गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं एक बार चीटिंग कर लूं, मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ आपसे कि मुझे भी मुझे आपके चरणों में भी वो चाहिए, सेवा चाहिए, स्थान चाहिए, बट मुझे आपके दिल में भी एक जगह चाहिए। मुझे सब लोग बोलते हैं मैं बहुत छोटू सी हूँ, तो आपके तो मैं बहुत छोटे से मतलब एक जरा से वो किनारे में आ जाऊंगी गुरुजी, प्लीज आई डू वॉन्ट टू बी योर फेवरेट बच्चा, मुझे भी आपका फेवरेट बच्चा बनना है, मुझे भी आपके दिल में एक जगह चाहिए गुरुजी। तो बस और वहां से वो एक जर्नी जो थी मेरी वो स्टार्ट हुई, ऐसे स्टार्ट हुई कि जब मैं फर्स्ट टाइम डुगरी हम लोग मतलब डुगरी मंदिर का एक प्लान बना ग्वालियर संगत का, मतलब ऐसे हुआ कि ग्वालियर में इनिशियली मुझे पता नहीं था कि कोई संगत भी है, बट फिर गुरुजी ने मुझे वहां की एक संगत से मिलवाया जिन्होंने मुझे बताया कि ग्वालियर में भी काफी संगत है। वहां पर कनेक्ट हुई उस संगत उस ग्रुप में कनेक्ट हुई, गुरुजी ने वहां पर भी इतना प्यार दिलवाया, सब संगत से इतना प्यार, अपनापन, सब कुछ। तो एक बार ऐसी प्लान बना हमारा कि हम डुगरी मंदिर का करते हैं, तो रिजर्वेशन हुए ट्रेन से जाने के लिए, सब कुछ सारी चीजें हुई, और जाने के कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि कोविड आउटब्रेक हुआ है तो मंदिर क्लोज है दर्शन के लिए। अब सब बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए कि मंदिर क्लोज है, टिकट्स हो गए, मतलब गुरुजी हम तो गुरु, क्योंकि बहुत ऐसी संगत थी मुझे, मैं भी फर्स्ट टाइम वहां जा रही थी, बहुत ऐसी संगत थी, और मंदिर बंद हो गया, दर्शन नहीं हो पाएंगे, अब कैसे जाएं, क्या करें। तो फिर वहां पर मतलब जो वहां पर एक मतलब आंटी हैं कोऑर्डिनेट जो सत्संग कोऑर्डिनेट करती हैं, तो उनके थ्रू हमें एक मैसेज मिला कि नहीं अपन चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी हैं हम तो गुरुजी का नाम लेकर चलते हैं, अपन करते हैं। तो फर्स्ट टिकट्स हुए और कोविड की भी ऐसी सिचुएशन थी तो मेरा नहीं हो पाया सेकंड टाइम में, तो मैंने बोला आंटी मेरा हो नहीं पाएगा, आप लोग चले जाओ, मैं फिर कभी देखती हूँ, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। कहती नहीं नहीं आंटी, और गुरुजी का कॉल है, आपको चलना है, ऐसा नहीं है, आप चलो, मैं करा रही हूँ आपके, आपके पास जब हूँ आप मुझे तब वो दे देना, टिकट्स का जो भी हो आप चलो। तो मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता है आंटी, कैसे जाएंगे, मतलब मुझे एक मन में ये चीज होती है हमेशा ही कि किसी का कैसे मतलब नहीं करना। तो मुझे यहाँ गुरुजी मुझे फील करा रहे थे कि उन्होंने मुझे कैसे अपना एक वो फेवरेट बच्चा बनाया, हमारी वो डुगरी मंदिर के लिए हम सब संगत गए, वहां पर दर्शन तो नहीं हुए बट हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला, बाहर से ही मत्था टेका हम लोगों ने वहां पर, और हम वापस आए। जब वापस आए और सब चीजें हो गई उसके बाद आंटी को मैंने बोला, आंटी मेरा कितना मतलब क्या हुआ टिकट का, आप ले लो क्योंकि मेरे पास हो गया। तो वो जो वर्ड्स थे वो इतने शॉकिंग थे, आंटी मुझे बोलती है आंटी मेरी पॉकेट से तो आपके टिकट का कुछ भी नहीं गया, आपके टिकट तो गुरुजी ने ही करवाए, मेरी पॉकेट से तो एक भी मतलब कुछ भी पैसे नहीं लगे आपके टिकट के, आपके टिकट के सिर्फ गुरुजी ने करवाए। तो वो सुनना एक इतना अच्छा था, एकदम मतलब इतनी जल्दी कि गुरुजी ने मुझे अपना एक जो मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी ने मुझे वो फील भी करवा दिया। फिर उसके बाद मतलब ऐसे हुआ हम गोवा गए नवंबर में, तो वहां से मुझे मतलब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी सिस्टर और उनके मतलब हस्बैंड भी जा रहे थे तो वो लोग तो बहुत जा चुके हैं पहले, मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी फ्लाइट में, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज हमारे साथ चलो,
हमारे साथ ही वापस आओ और हमारे साथ ही एंजॉय करो, आप प्लीज हमारे साथ चलो गुरुजी। और जब हम गए तो फ्लाइट्स में ऐसा होता है कि शायद, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा बोला गया कि स्टार्टिंग की जो कुछ सीट्स होती है वो खाली नहीं होती है, मतलब उसके कुछ वो करके एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करके और वो सीट्स ले लेते हैं, तो खाली इन जनरल नहीं रहती है, मतलब ऐसा होता है। तो हम लोगों ने फ्रंट सीट्स कराई अपनी वहां पर एयरपोर्ट पर, जैसे हम पहुंचे तो हमने वो सिलेक्शन में फ्रंट सीट दी अपनी। और जब हम अंदर गए तो दीदी बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने कहा नहीं दीदी गुरुजी देखना अपने साथ ही हैं और अपने साथ ही चल रहे हैं। तो कहती है अच्छा ऐसा है, मैंने कहा हाँ देखना गुरुजी साथ नहीं है। और जब हम बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हमारे साइड में कोई आएंगे, कोई आएंगे या कोई आए, मतलब कुछ होगा, जब हम गए हैं तो भी हमारी साइड वाली सीट वो खाली, और जब हम वापस आए हैं तो भी वो सीट वहां पर खाली। मैंने कहा देखो जी गुरुजी हमारे साथ ही हैं, गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी हमारे साथ ही हैं, गुरुजी सब सुन भी रहे हैं, ऐसा भी है। और वापस आई तो वहां से ही मुझे ना कुछ बॉयल्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, मतलब वो पस वाले कुछ बड़े बड़े बहुत फोड़े होते हैं, तो वो मुझे वहां से स्टार्ट हो गए। और ऐसे हुए कि कोई बोलता है, वो पता नहीं कुछ अजीब से नेम्स बताए मुझे बहुत लोगों ने, कोई बोलता है 5 होंगे, कोई बोलता है 7 होंगे, बट मेरे केस में वो बहुत डिफरेंट ही था। मुझे वो अप्रोक्स 20 to 25 हुए, 25 तक तो मतलब मेरी काउंटिंग थी कि वो हुए हैं मुझे, कभी राइट अंडर आर्म में हो रहा है, कभी लेफ्ट अंडर आर्म में हो रहा है, एक खत्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, और मतलब होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, ना मैं सो पा रही थी रात में, ना मैं मतलब हाथ आम मतलब नीचे करने में भी इतना पेन होता था, बहुत पेन। तो एक दिन रात में मैंने मतलब बस थक हार के गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी या तो मुझे आप बिल्कुल अपने मतलब बस अपने पास बुला लो, या फिर इसको आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक कर दो, क्योंकि अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ, मतलब अपना हाथ ऐसे सीधा कर कर, मतलब ना मैं नीचे कर पा रही हूँ और ना मैं सो पा रही हूँ ठीक से, गुरुजी बहुत पेन हो रहा है, आप देख लो प्लीज आपको क्या करना है, आप देख लो, या तो मुझे बुला ही लो या इसे ठीक कर दो। और बस वो कोविड से पहले एक वो लास्ट सत्संग था जहाँ मुझे गुरुजी ने सेवा दी, गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद कराया, मेरे इतने ट्रीटमेंट हुए उसके लिए, मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, होम्योपैथी एलोपैथी और मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाना, कभी सर्जन के पास जाना, और मुझे बहुत डर लगता था, मैं मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाती, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं गुरुजी से सिर्फ मतलब ये मेरी पर्सनल है कि मैं गुरुजी, मुझे नहीं पसंद है वो चीज, तो मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी आपको पता है मुझे ये पसंद नहीं है और आप मुझे इतने मेडिसिन क्यों करवा रहे हो, आप देख लो प्लीज आप ब्लेस कर दो इसको, आप ठीक करो। तो गुरुजी ने वहां लंगर प्रसाद मतलब मैंने जो लास्ट वो किया है, और उसके बाद आज तक वो 2 साल हो गए मुझे कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया। फिर उसके बाद ऐसे मतलब जर्नी स्टार्ट हो गई, कोविड हुआ तो फाइनेंशियली भी कुछ इश्यूज आ गए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि मैं वर्किंग थी, कोविड में जॉब वगैरह सब चली गई, और थोड़ा सा मतलब इश्यूज हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए उस टाइम पर, तो बहुत अजीब सा हो जाता था एक मतलब कभी कुछ स्ट्रेस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ऐसे मेरी केस में भी मुझे ये सब, मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी आपको जो करना है आप देख लेना, मैंने मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं जो सोचूंगी वो बहुत छोटा है, जो आपने मेरे लिए सोचा होगा वो तो फिर मेरी सोच के ही बाहर है, तो आप बस मुझे लाइन को दिखा देना मैं देख लूंगी, मतलब मेरे ये वर्ड होते थे, मुझे ये नहीं पता कि मुझे बोलना है गुरुजी को, गुरुजी मुझे वहां तक लेकर, बट मतलब वो छोटा दिमाग जितना है उतना ही बच्चे हैं तो उतना ही वो चीज हो जाती थी। और ऐसे हुआ, फर्स्ट स्टूडेंट आई मेरे पास पढ़ने के लिए, एक ट्यूशन में मतलब टीचिंग में ही थी, तो एक स्टूडेंट आई पढ़ने के लिए और मेरी फ्रेंड की बहन आई पढ़ने, तो वो बहुत दूर से मतलब जैसे हमारा एक सेक्टर 2 है तो वो सेक्टर 4 से आ रही है, काफी दूर से आ रही है, कोई जान पहचान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब किसी और से हो, और इनिशियल एक स्टूडेंट जो आप मतलब कितना चार बहुत कम वो होता था, तो पेरेंट्स से मांगना बहुत वो एक शर्म वाली बात हो जाती थी कि मम्मी पैसे पॉकेट मनी लगा, अब मेरी पॉकेट मनी कर दो मंथली, तो मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी आप क्या करा रहे हो, प्लीज आप देख लो, आप ही कर जो भी आप देख लो, मुझे नहीं पता, अगर ऐसे ठीक है तो फिर चलने दो जो आपको अच्छा लगे।
और गुरुजी ने मेरा ऐसे करवाया, मैं किसी को जानती नहीं थी वहां पर, मतलब मुझे 24 इयर्स हो गए उस सोसाइटी में रहते हुए, और मैंने कभी कभी वो ऐसे फेसेस नहीं देखे हैं जो गुरुजी ने एक के बाद एक ऐसे स्टूडेंट्स लगाए मेरे, मतलब ट्यूशन सेंटर में इतना वो करवा दिया, वहां एक बच्चे से स्टार्ट होकर मेरे पूरा एक कोचिंग टाइप बना दिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने वहां मुझे इतना मेरे, मतलब गुरुजी सब जानते हैं वो, और हम ही है कि हम थोड़ा सा सफर नहीं कर पा रहे थे, पर गुरुजी ने वहां ब्लेस किया। फिर सेकेंड टाइम गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया, तो मैं वहां पर गई, पता नहीं मुझे बस वहां जाते ही वहां पे एक जोड़ा जो पेड़ के नीचे वहां पर जोड़े जो वो रख मतलब ले रहे थे संगत के सेवादार कुछ थे, तो वहां पर मैंने जोड़े अपने मतलब कीपर वो दिए हैं, सैंडल्स दिए हैं वहां पर, उनको जोड़े दिए हैं, और वहां से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं रोती जा रही हूँ गुरुजी से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या, मतलब मैं क्यों रो रही हूँ, और गुरुजी तो साथ है मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहां पर, मैं बस रोती जा रही हूँ गुरुजी। मैं गुरुजी से सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, गुरुजी आपको पता है मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, आप मुझे बस अपने पास रख लो, आपको जैसे रखना है वैसे रख लो, आपको पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, आप मेरे बड़े पापा हो, आप जानते हो, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, बस मुझे आपके पास ही रहना है गुरुजी। और गुरुजी ने मतलब एक ऐसा मिरेकल किया मेरी लाइफ में जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मैंने कभी भी ना वो मतलब स्कूल का नाम सुना, और डुगरी मंदिर जो वो मतलब प्लेस है मलेरकोटला जो है आई गेस, तो वो बहुत दूर है, कभी वहां ट्राई नहीं करना, कभी सोचा भी नहीं कि वहां पे कोई स्कूल में अप्लाई करना है या ऐसा कुछ है। मैंने अपनी सारी प्रोफाइल चेक कर ली, जॉब प्रोफाइल मतलब जहां मैंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई थी, पोर्टल जो थे, कभी अप्लाई ही नहीं किया। वहां से रैंडम मुझे एक कॉल आता है एक स्कूल से कि आपको अपना डेमो देना है, और आप मतलब इस प्रोफाइल के लिए ये है और आपको अपना डेमो देना है। मैं थोड़ी सी शॉक्ड हुई, मैंने कहा पता नहीं इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला है, कोई फ्रॉड ना हो, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत होते हैं, फीस दे दो और फिर वो नहीं होता। तो मैंने पूछा, कहते नहीं नहीं मैम हम स्कूल से बात कर रहे हैं, आपको एक डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है और आप हमें कल तक भेज देना, तो हम आपका प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड करेंगे। आई सेड ओके मैम, मतलब मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। तो मैंने ऐसी एक मतलब वीडियो भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया, नॉर्मल सा गंदा सा बना के एक वीडियो भेजा, और जब मैंने वही वीडियो अपनी सिस्टर को दिखाया तो वो मुझे बोलती है कि श्रद्धा तेरा तो नहीं होगा, पागल है ऐसे कोई वीडियो बना के भेजता है, इतना गंदा वीडियो भेजा तूने तो होगा ही नहीं। मेरे फर्स्ट वर्ड मतलब यही थे कि ठीक है गुरुजी अपने आप कराएंगे, उन्होंने जब इतना दिया तो वो आगे भी जो भी होगा उनकी मर्जी होगी, उन्होंने ही फोन किया है या करवाया है, जो कुछ भी है वो अपने आप देखे। मैंने 2 डेज वेट किया, नहीं आया, तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ बस मॉर्निंग में, और मुझे वो मिस्ड कॉल दिखा, वहाँ वो नंबर दिखा, मैं बहुत खुश हो गई कि यहाँ से कॉल आया है, चलो बात करते हैं एक बार। कॉल बैक किया तो वो कहती मैम HR से बात कर लो, और ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको ज्वाइन करना है। और ग्वालियर में मुझे स्कूल्स में मतलब मेरे साथ ये होता था कि मैं जब भी इंटरव्यू देने जाती थी बहुत गंदी एक सैलरी मुझे ऑफर करते थे, और मैं वहां से रोती रोती वापस आती, खुशी खुशी जाती थी और मुंह लटकाकर वापस आ जाती थी, और सिर्फ यही वर्ड होते थे कि गुरुजी क्यों भेज रहे हो, बेइज्जती कराने के लिए क्यों भेज रहे हो, मेरे को नहीं जाना, मुझे कुछ करना ही नहीं है, आपने जो मुझे सेवा बख्शी है मैं यही बस मुझे यही करनी है, बट आप मेरी बेइज्जती तो मत कराओ ऐसे हर एक स्कूल में, क्योंकि एक भी ऐसा कुछ बचा नहीं होगा जहां मैंने इंटरव्यू नहीं दिया हो या मैंने नहीं कुछ करा हो। तो वहां से आया तो मैं बहुत खुश हो गई, सैलरी भी उन्होंने बहुत अच्छी ऑफर करी मुझे, मैं बहुत खुश हो गई कि शुक्राना गुरुजी। जब वो डिस्टेंस देखा तो और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो डुगरी मंदिर से सिर्फ 1/2 घंटे की डिस्टेंस पे था, बहुत खुश हो गई कि वाओ गुरुजी अब तो मतलब आप मुझे सच में पास बुला रहे हो, और मैं तो मतलब संडे आ जाया करूंगी अब तो, ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। ऐसे किया, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने यही किया, मतलब आपने मुझे पास बुला लिया। और फिर उसके बाद बस ऐसे हुआ
मेरी पूरा प्लान बन गया कि मुझे वहां जाना है, मुझे ज्वाइन करना है. मैंने उन्हें एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मैं आ रही हूँ, मुझे इसी 8 नवंबर से ज्वाइन करना है. तो हो गया. उसी बीच में गुरुजी ने मुझे एक ऐसी ये भी एक ऐसी उन्होंने ही ब्लेस किया, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था. मिशनरी स्कूल में दिल्ली में मुझे गुरुजी ने जस्ट डबल पेपर, जो गुरुजी ने मुझे ये ऑफर लेटर दिया जो मैं सपने में नहीं सोच सकती थी. मुझे ग्वालियर में कोई स्कूल वाला कंसिडर नहीं कर रहा था, कोई स्कूल मतलब कंसिडर ही नहीं कर रहा था. सारी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी, मतलब सब कुछ होने के बाद, डिग्री हर चीज होने के बाद, मुझे कुछ कोई कंसिडर नहीं कर रहा था. और दिल्ली में कोई मिशनरी स्कूल, वो भी टॉप रेपेटेड कैसे करेगा मैं नहीं जानती. ये गुरुजी ने मेरे साथ, मतलब ये मिरेकल जो गुरुजी ने ही किया है, मुझे दिल्ली में गुरुजी ने बुलाया. और वो स्कूल भी बड़े मंदिर से सिर्फ हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है. तो थैंक यू सो मच गुरुजी, गुरुजी ने मुझे ये जर्नी बख्शी है यहाँ पर. और एक और ऐसी एक और सत्संग गुरुजी ने जो बहुत, मतलब बहुत प्यारा सा एक सत्संग ऐसे ब्लेस कर रहा है गुरुजी ने कि मेरे फादर को सितंबर में पैरालिटिक अटैक आया. वो डायबिटिक पेशेंट है, बट हमें नहीं पता था कि उनको बीपी की भी कुछ इश्यू है. कभी हमने चेक भी नहीं किया. तो एकदम अचानक से, मतलब वो जा रहे हैं और उन्हें एकदम पैरालिटिक अटैक आता है रास्ते में, और एक्टिवा पे वो थे तो एक्टिवा गिर गई, क्योंकि उनको राइट साइड पूरा वो मतलब वर्क नहीं कर रहा था. एकदम से उनका फेस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो एकदम से गिर गए रास्ते में. कोई साथ भी नहीं था, अकेले थे. और रास्ते में पता नहीं कौन, उन्होंने जैसे हमें बताया कि कोई आया, किसी ने उन्हें उठाया और बिठाया है वहां पर. पापा सिर्फ, मतलब मेरे जो फादर सिर्फ 5 मिनट वहां बैठे हैं, और एक मतलब इनिशियल में ऐसे पैरालिटिक अटैक आया और 5 मिनट बैठने के बाद वो वापस वो गए हैं, और वहां से वो वापस घर भी आ गए हैं. एक्टिवा ड्राइव, मतलब खुद वो चलाकर वहां से राइड कर एक्टिवा खुद आए हैं. तो मतलब हम तो शौक थे कि वो कैसे लेकर आए, क्योंकि जब वो घर पर आए तो वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहे थे. उनका वो पैर से अपनी चप्पल नहीं उतार, मतलब स्लीपर नहीं उतार पा रहे थे, और शर्ट नहीं वो कुछ कर पा रहे थे, हैंड नहीं, मूवमेंट ही नहीं हो रहे थे. हम बहुत डर गए एकदम से, क्या हो गया. उनका फेस हल्का सा टेढ़ा हो गया. तो और उस दिन संडे, मतलब क्लिनिक सारे बंद, इनिशियल केयर के लिए कहाँ, मतलब ट्रीटमेंट के लिए कहाँ ले जाए. संडे था, टाइम भी बहुत हो गया था. तो मैं एकदम से, मतलब मुझे एकदम से हुआ कि मैंने कहा पापा पहले तो ये जल प्रसाद पियो, गुरु जी का कुछ नहीं होगा, अभी जल प्रसाद पियो. और मुझे वहां से गुरु जी ने इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमारे एक टेनेंट है जो डॉक्टर ही है, तो वो भी नहीं थे उस दिन. उन्होंने फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ये बहुत जल्दी मतलब बढ़ता है, तो आप प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ. और फिर मुझे किसी और ने भी ये चीज बोली, गुरुजी की संगत ने भी मुझे ये बोला कि नहीं आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ. और मैं अकेली उस टाइम घर पर, कोई नहीं, हम पापा एक है जो कार मतलब जानते चला ड्राइव कर लेते हैं, मुझे नहीं आता. तो मुझे थोड़ा सा लगा मैं कैसे क्या करूं मैनेज करना, और एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि क्या करो. पापा का बीपी एकदम हाई हो गया, शुगर एकदम लो हो गई, और हमने कुछ भी नहीं उस टाइम पे, सिर्फ जल प्रसाद गुरुजी का दिया था. बट मुझे इतना याद है कि जब हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, एक जीजू मेरे जो है, सिस्टर की मैरिज हुई है, वो पास में ही हुई है, घर का मतलब 2-3 घर छोड़ते ही है, और वो उस दिन थे, तो वो फटाफट उनको लेकर गए वहां पर. जनरली वो भी नहीं होते हैं, बट उस दिन वो पता नहीं कैसे रुके हुए थे घर पर. वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और जब वहां पर उनका बीपी और सब कुछ चेक किया है तो वो नॉर्मल. हम सब मतलब कि हमने कुछ मेडिसिन नहीं दिए, हम वो शौक थे कि गुरुजी ने कराया है या गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं. और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ रहा था, वो थोड़ा हो रहा था, इशू हो रहा था. तो आईसीयू में उनको एडमिट किया. और इनिशियली उस दिन गुरुजी हमारी टेस्टिंग ले रहे थे, क्योंकि सेम डे एक सत्संग था जहां पर सेवा थी, एक न्यू संगत थी जिनको कुछ भी नहीं पता था, और मतलब वहां सेवा मिली हुई थी, जाना था, कोई भी नहीं था वहां पर. और यहाँ पापा की तबीयत खराब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं.
मैंने पापा को मतलब हॉस्पिटल भेजा, मैं वहां सत्संग गई हूँ कि गुरुजी मुझे पता है आप मेरी टेस्टिंग ले रहे हो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती, यहाँ पापा को तो आप लेके जा रहे हो, मैं सत्संग में जा रही हूँ क्योंकि मेरी वहां सेवा है, वहां पे कोई नहीं है, वो सब मेरे भरोसे, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे वो तो करना है। ये चीज बस थी, मैं तो कुछ थी नहीं करवाने वाली, सिर्फ गुरुजी थे जो करवा रहे थे। वहां गई, सब कुछ किया और 12 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। मेरी मम्मी गुरुजी का एक छोटा सा मतलब स्वरूप, छोटा सा वो जो लॉकेट स्वरूप गुरुजी का था, तो वो लेकर गई पापा के पिल्लों के नीचे रखा, वहां मंत्र जाप कराया था और 12 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। डॉक्टर्स बोलते हैं आंटी मतलब मैम ये बिल्कुल ठीक है अंकल, मतलब आपके अंकल बिल्कुल ठीक है और आप इनको, हम इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। 12 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, आईसीयू से एक पैरालिटिक पेशेंट बाहर आ गए हैं, और ऐसा भी नहीं था कि हमने उन्हें बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज मतलब एडमिट करवाया है, क्योंकि उनके अटैक के बाद 4 आवर्स हम उन्हें घर में ही वो करते रहे कि कुछ हो जाए, हम हॉस्पिटल्स में फोन कर रहे हैं और ऐसे। तो गुरु जी ने उन्हें वहां उनकी हेल्थ ब्लेस करी, अब बिल्कुल ठीक है मेरे फादर, उन्हें कुछ भी नहीं है और कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं, मतलब गुरुजी ने सब बंद करवा दिया, बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने उनकी हेल्थ प्लेस करी, शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी पल पल साथ रहते हैं, गुरुजी हर पल फील कराते हैं। एक और ऐसे ही छोटा सा मतलब सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं जिनके मासी के घर रहने आई थी 2019 में, बट कोविड टाइम आया तो वापस चली गई ग्वालियर, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वापस गई। और अभी 21 में जब कोविड का बहुत ज्यादा यहाँ पर दिल्ली में सिचुएशन वर्स हो गई थी, तो उनको उनको वैसे किडनी में प्रॉब्लम है, उनका क्रिएटिनिन जो होता है वो जनरली 3 कुछ रहता है जो 1 नॉर्मल होना चाहिए, बट उनको इस टाइम में उनको कोविड हुआ तो उनका जो क्रिएटिनिन था किडनी का वो बहुत बहुत एकदम हाई हो गया, मतलब 12 हो गया जो 1 होना चाहिए, और उनको कोविड भी हो गया फिर। बट गुरुजी ने वहां उनको ऐसे वेस किया कि वो 12 से और भरकर मतलब और हाई हो सकता था, बट गुरुजी ने वहीं उसको स्टिल रखा, 12 पर रखा गुरुजी ने, क्योंकि वो भी बहुत रिस्की था इन जनरल, बट उससे ज्यादा होता तो कुछ भी हो सकता था, गुरुजी ने वहीं उनको स्टिल रखा। और वो अपनी सेंसेस में नहीं थे, मतलब उस टाइम पर वो ऐसे हो गए थे कि वो कुकर की सीटी के नीचे गैस लगाकर बोलते थे मैं आरओ से पानी भर रहा हूँ, वो अपने मतलब होश में ही नहीं थे कि हो क्या रहा है, हम बहुत टेंशन में थे कि क्या चल रहा है। उस टाइम हॉस्पिटल्स में बेड मिलना और मतलब बेड मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि बेड खाली नहीं होते थे, और फिर गुरुजी ने वहां एकदम से बेड अरेंज कराया, उनको एडमिट किया। गुरुजी ने वहां गुरुजी की मतलब इतनी ब्लेसिंग कृपा थी, गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने मेरी मासी को उनके साथ ही वहां पर रखा, जहां हॉस्पिटल पेशेंट को देखने भी नहीं दे रहे थे, कोविड वार्ड में नहीं जाने दे रहे थे, मासी पूरे साथ पता नहीं कैसे बस उनको अलाउ किया, वो खाना अपने हाथ से खिला रही है और उनके साथ बैठी है, मंत्र जाप वहाँ कंटिन्यूअसली गुरु जी का चल रहा है कोविड वार्ड में, और वहाँ पेशेंट्स बोलते थे कि नहीं आपसे एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिव ऑरा मिल रहा है हमें, ऐसे मंत्र जाप चल रहा है तो। और मेरी मासी को कुछ भी नहीं हुआ उस कोविड वार्ड में, मतलब वैसे तो वो पूरा कवर करके जाते थे बट फिर भी। और उसके बाद उनको डायलिसिस, फिर मोसा जी का क्रिएटिनिन इतना हाई था तो उनको नेक के थ्रू वो डायलिसिस मतलब वो कुछ मशीन कुछ होती है पेस्टुला बोलते हैं, तो वो नेक मतलब नेक के थ्रू हुआ कुछ वहां पर, तो वो बहुत पेनफुल था, इतना पेनफुल था कि जब हम वहां पर कॉल पर थे तो वो इतना चिल्ला रहे थे, हम कांप गए थे एकदम से कि वो इतना, क्योंकि वो इतने वो मतलब इतने स्ट्रांग है मूसा जी, कभी हमने उन्हें ऐसे नहीं देखा था, और एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो बहुत मतलब शैटर्ड से थे सब लोग कि क्या होगा क्या होगा, कोविड हो गया है, किडनी 75% डैमेज हो चुकी है पूरी, तो उस टाइम उनके डायलिसिस हो रहे हैं, हफ्ते में 2 बार उनके डायलिसिस हो रहे हैं, अब
गुरुजी के यहाँ से जो ऐसे ही उनके कर्म उन्होंने कटवाए हैं गुरुजी ने उनके, वो डायलिसिस जो हफ्ते में दो बार होती थी, शुक्राना करते करते गुरुजी का थैंक यू बोलते बोलते गुरुजी ने आज उन्हें मेडिसिन पे कर दिया है, उनकी डायलिसिस मतलब बंद हो गई है और वो ठीक है अब गुरुजी की, गुरुजी मतलब उनके कर्म ही काट रहे थे, उनके कर्म कट रहे थे जो गुरुजी ने ब्लेस कर रहे थे, वो आज बिल्कुल ठीक है। मेरे मोसा जी भी मेरी सिस्टर की सेकंड मतलब वो भी नहीं गुरुजी को मानती थी, बट उनकी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशंस आई जहां मतलब ऐसे ऐसे सत्संग हुए कि वो गुरुजी ने अपनी मतलब इतना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा गुरुजी का जो होता है, जो हम हमेशा ही सुनते हैं गुरुजी जो एक ऑरा होता है वो इतना डिवाइन होता है, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, बट वो इतना मतलब मैग्नेटिक था, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था कि वो आज मतलब हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। और उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी फेज था, तो फर्स्ट बेबी के टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम थी मेरी सिस्टर को, मींस उनको ऐसा था कि वो पूरे 9 मंथ्स बेड रेस्ट पर थी और पर डे उनको इंजेक्शन लगते थे, पर डे का उनका एक वो था कि उनको इंजेक्शन लगना ही लगना है, अदरवाइज मतलब नॉर्मल नहीं होगा, सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहेगी। तो जब सेकेंड टाइम आया तो वो बहुत डर गई कि गुरुजी मतलब मैं तो ये दोबारा टाइम ऐसा नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे 9 मंथ्स पूरा बेड पर रहना, और उनकी जो फर्स्ट बेबी जो मतलब छोटी आंटी जो उनकी काव्या आंटी हुई थी, तो वो भी प्रीमैच्योर हुई थी, तो गुरुजी मैं ऐसा टाइम मतलब मुझे नहीं करना, ये टाइम दोबारा नहीं देखना। गुरुजी ने वहां उनका लंगर प्रसाद लेकर और जल प्रसाद लेकर गुरुजी ने ब्लेस भी किया उनको, उनके जो टेस्ट पहले खराब आए थे सेकेंड टाइम में, वो टेस्ट उनके सारे नॉर्मल आ गए, और आंटी ने पूरा टाइम सत्संग करते करते गुरुजी की सेवा करते करते मतलब पूरा अपना टाइम उन्होंने ऐसे निकाला है, गुरुजी ने निकलवाया है, गुरुजी हाथ पकड़ कर करवा रहे थे ये सब चीजें। जब उनका बेबी हुआ है और वो एक मतलब उनका एक छोटा सा बिजनेस भी है जो गुरुजी ने ही ब्लेस किया है उनको, तो एक दो अकाउंट है उनके, एक अकाउंट इन जनरल वो सबके साथ मतलब शेयर करती हैं, और एक अकाउंट कभी नहीं उन्होंने शेयर किया किसी भी कस्टमर के साथ अपने। तो उस अकाउंट में एक दिन अचानक से 3100 रुपए आते हैं, तो उन्होंने शॉक हो गई क्योंकि वो अकाउंट का नंबर मतलब हम फैमिली जो मतलब बहुत क्लोज है, क्योंकि वो अकाउंट का नंबर उनको खुद को ही याद नहीं था, वो एक बंद हो चुका था अकाउंट, मतलब बहुत पुराना स्टूडेंट टाइप अकाउंट था, तो वो किसी को नहीं दिया, और सॉरी उसमें एक रैंडम मतलब 3100 रुपीज आना, तो शॉकिंग था। उन्होंने सबसे पूछा किसी ने किया है, 2 दिन वेट किया कि कहीं किसी कस्टमर ने तो नहीं कर दिया है पेमेंट, कोई स्क्रीनशॉट नहीं आया, फैमिली से पूछा किसी ने नहीं किया, एक दिन मतलब पैसे से गुरुजी किसके पैसे हैं, ऐसे वो करके सोई रात में अरदास करके सोई, गुरुजी किसके पैसे हैं और मतलब ऐसे किसका गलती से आ गया है तो आप भेज दो या क्या है मुझे बताओ तो सही, कैसे मैं किसी के रखूं ऐसे। तो रात में मतलब गुरुजी वो ड्रीम तो होता नहीं है, गुरुजी के दर्शन होते हैं, उसमें गुरुजी ने उन्हें बोला, मुझे पंजाबी नहीं आती है बट गुरुजी ने बोला तेरे मुंडे भी मुंह दिखाए, तो वो सिद्ध उसकी इतनी चौक हुई, उन्होंने नेक्स्ट डे मतलब उसने पासबुक में एंट्री भी कराई और स्टेटमेंट भी निकाला, बट उस पैसे का रिकॉर्ड ना वो उस पासबुक की एंट्री में है ना वो मिनी स्टेटमेंट, मतलब वो कहीं वो रिकॉर्ड है ही नहीं, और वो पैसे कहाँ से आए क्या है वो किसी को कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने ऐसे उनको मतलब ब्लेस किया, गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं, हर उसमें मतलब साथ साथ रहते हैं, मतलब ये फीलिंग है जो गुरुजी हर पल फील कराते हैं। जब मैं दिल्ली में रह रही थी, जय गुरुजी अंकल मेरी आवाज आ रही है ना, जय गुरुजी। जी आंटी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं जब दिल्ली में थी तो सुशांत अंकल जो मुझे नास्तिक नास्तिक बोलते थे, और तो वो मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाते थे कि गुरुजी ने ऐसे किया है, और गुरुजी ने पता है एक आंटी को एग्जाम में ऐसे पेपर दिया है, तो मैं सोचती थी मैंने कहा हाँ पागल है ये, ऐसे कैसे कोई गुरुजी ऐसे पेपर आउट करा देंगे, क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी।
तो मैं मन मतलब बोलती मैं नोनी तू ना हम मतलब उनको प्यार से मतलब नोनी नोनी बोलते थे बोलते हैं सॉरी तो मतलब हम यही कि नोनी प्लीज पढ़ ले तेरा एग्जाम है और जो गुरुजी ने एकदम उनके फादर बड़े मंदिर से आ रहे थे तो एक अंकल ने उनसे बोला अंकल आप मुझे मतलब पता नहीं मेट्रो स्टेशन या कहीं बीच में ही कहीं के लिए बोला आप मुझे छोड़ दोगे तो उन्होंने कहा ठीक है उनकी सेवा भी होती थी शटल सेवा में तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठो और कोई भी नहीं सिर्फ वो अंकल और जिन अंकल ने लिफ्ट मांगी सिर्फ वो सुशांत अंकल के फादर और वो अंकल तो उन अंकल ने जनरली बात करी पंजाबी में ही वो पूरा बोल रहे हैं अच्छा तेरा मुंडा है अच्छा कुड़ी भी है अच्छा तो वो क्या कर रहा है मतलब ऐसे बात हुई उन अंकल ने मतलब सुशांत के फादर को चाचा हम बोल चाचा हैं तो उनको बोला कि मेरा कार्ड है तू ले और अपने मुंडे को ये मर्चेंट नेवी में कराना और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा इसमें नंबर है तू मुझे कॉल कर लेना पंजाबी में ही पूरा बोला मुझे नहीं आती सॉरी तो मैं मतलब हिंदी में बता रही हूँ बट ऐसे था तो उन्होंने कहा ठीक है घर आए तो उन्होंने अपनी आंटी को बताया कि स्वीटी देख मुझे ऐसे ऐसे बोला है नोनी के लिए और क्या करना है तो वो इतना बोली कि तुम पागल हो ऐसे गुरुजी का भी तो हो सकता है एक बार कॉल लगा कर पूछो जब उन्होंने उस नंबर पे कॉल लगाया तो वो नंबर तब से आज तक वो कॉल लगता ही नहीं है वो नंबर ही मतलब अमान्य ऐसे कुछ आता है वो नंबर लगता ही नहीं है और तो फिर उन्होंने कि गुरुजी ने बोला है तो ठीक है यही लाइन में जाना है और नोनी मतलब सुशांत अंकल का एग्जाम है वो एक दिन पहले डुगरी मंदिर उनकी सेवा थी तो वो सेवा से आ रहे हैं वहां पर सुबह सुबह आए नेक्स्ट डे उनका एग्जाम है और मेरे पास आता है कि श्रद्धा एग्जाम है यार थोड़ा बहुत सुन लेगी मतलब तूने कुछ पढ़ा है क्या सुनू मैं तुझसे तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे टाइम मतलब तू पढ़ा ही नहीं क्या सुनू कहता यार गुरुजी है ना बस गुरुजी ने मुझे बोला है गुरुजी है वो अपने आप करेंगे तुझे क्या करना गुरुजी करेंगे मतलब ऐसे बात ठीक है पागल है तो और ऐसी बात हुई हमारी ठीक है भाई हो गया एग्जाम देके आया बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ तो मैंने कहा एग्जाम कैसे अच्छा हो गया इसने कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी कैसे अच्छा हो गया इसका एग्जाम और हम मतलब सब शौक है सरप्राइज है ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है कि जिन अंकल ने कभी पढ़ा मतलब पढ़ाया ही नहीं थी उनकी ऑल इंडिया रैंक 30 आई है उसमें आज वो अंकल मतलब मर्चेंट नेवी में है और वो बाहर मतलब है अपनी सर्विसेज में है और मतलब वो भी मेरे मुझे मतलब वो रिलाइज कराने के लिए कि हाँ गुरु जी ने कराया मतलब वो नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें अपने कर्म भी करने हैं ऐसा नहीं है बट हाँ ये जर्नी जो गुरु जी ने ब्लेस करी है जो गुरु जी ने उनके लिए लिखा है और ये इन जनरल बस वही एक है कि गुरु जी ने ब्लेस किया और उनकी मतलब ऑल इंडिया रैंक 30 तो ये भी एक शॉकिंग ही था हम सबके लिए बस ये इतने मतलब ऐसे सत्संग गुरुजी कराते करा रहे हैं बस और यही सत्संग चलते रहे गुरुजी की कृपा है बस ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी।